मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के साकी नाका उपनगर के खैरानी रोड में एक इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार की शाम को भयानक आग लग गई। इस आग में 30 से 40 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, वहीं 15 से अधिक वाहन भी जल गए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत भी हुई है तो वहीं 1 व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। जिस इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी थी वहां केमिकल के कई गोडाउन थे, इसलिए आग और भयानक रूप लेती गई। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच गए। काफी घनी आबादी होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आसपास के घरों और दुकानों को एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। इस भयानक आग बुझाने के लिए 8 फायर इंजन 12 वाटर टैंकर की मदद ली गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मगर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1 व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। आने के बाद लेवल 2 फायर हमने इमिडिएटली उसको डिक्लेयर किया, बाद में लेवल 2 1732 को किए, बाद में 1739 को लेवल 3 का, और बाद में लेवल 4 जो सीरियस फायर कॉल का 1822 को हमने डिक्लेयर किया। यहाँ पे 16 फायर इंजन आई है, 12 वाटर जंबो टैंकर वाटर टैंकर से हैं, 1 TTL है, और करीबन 300x300 एरिया में विविध प्रकार के जो गाले हैं इंडस्ट्रियल, छोटे छोटे इंडस्ट्रियों जो कि ग्राउंड प्लस 1 ग्राउंड प्लस 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ से प्लास्टिक मटेरियल केमिकल के कुछ केमिकल्स और गारमेंट्स पैकिंग मटेरियल और बहुत सारे हैं, तो उसका फायर फाइटिंग हमने अभी चारों तरफ से कवर का मैसेज दे दिया है कि कंटेन कर लिया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।